सर जी इन्हां दा बहुत बढ़िया सवाल किया है। पहला तो मैं धन्यवाद करना वा चौधरी भुपिंदर सिंह का जिन्हें 2014 इन्ना वधिया एक्ट बना दिता कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वकील भुगते जेडे कि एक तरीक ते भुगतन का 1 करोड़ रुपया अपने वकीलों को साडा वकील 10 लाख रुपया लेंदे सन, उन्होंने वकील 1 करोड़ रुपया एक पेशी का लेंगे। 8 साल मुकदमा चलिया पर हुण सरकार बदल गई। 2014 तो बाद सरकार बदल गई, सरकार साढ़े बीजेपी की आ गई तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर बन गए। असी फिर खट्टर साहब को अपील की कि हुण जिहड़ी पिछली सरकार है कमेटी बना के गई है तो हुण तुसीं साडी पैरवी करो क्योंकि असी तो इन्नी पैरवी कर नहीं सकते, अपने एडवोकेट जनरल भेजो। अपना एडवोकेट जनरल वो हरियाणा के पक्ष रखे, उन्होंने साडी बेनती प्रवान किया तो उन्होंने पूरी पैरवी की इस काम वास्ते। इस करके जिन्हें चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ये वधाई दे पात्र ने, उस तो बाद मनोहर लाल खट्टर जी हो गए क्यों उत्ते भी सरकार इन्हां दी सी, थले भी इन्हां दी सरकार सी। ते इन्हां मतलब अपना सहयोग करके हरियाणा दे सिखां दी हक नूं वेंदे होया पूरी पैरवी करके ते अज जिहड़ा है उस करके ये फैसला आया। पर मनोहर लाल जी खट्टर ते मैं भी ये गल मानने हां, वो भी खट्टर साहब भी जिहड़ा कह चुके ने ये साढ़े प्रयासों करके बन गए, ये साढ़े प्रयासों करके एक कमेटी नहीं बनी, एक अकाल पुरख का हुक्म था। मैं भी ये गल मानना वा कि ये किसी बंदे दी आख्या जां पार्टी दी आख्या एडा वड्डा फैसला नहीं आया, ये तो गुरु महाराज की कृपा उस जेडे स्थान पर आया गुरु दसवें पातशाह जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब सानूं समझाया 11वां गुरु। ये जिहड़ियां साडियां अरदासां ने अकाल तख्त जाके अरदास कीती, हर गुरु विच जाके अरदास कीती, सब तो वड्डा श्रेय ये गुरु ग्रंथ साहब नूं जांदा है। दादू आप साहब का राइट बनता है, हर एक का राइट है। बाबा जी कह सकते हैं मैं प्रधान, मेरे मानयोग सारे मैंबर कह सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कोई भी कह सकता है कि मैं कमेटी का प्रधान। एक मिनट सर, मैं वो गल कर रहा दादूवाल साहब किवें प्रधान बने मैं एक मिनट क्लीयर कर दें। 2020 मैं बड़ा बीमार हो जाता, 2 साल मेरा 25 किलो वजन रह गया, मैं DMC दाखिल हो गया। मैं तो मेरे मैंबर साहबान गए कि तुम हाली कम करने के लायक नहीं कार्यकारी प्रधान चो, मैं कहा जी मैं इस्तीफा दे देना वा तुम कार्यकारी प्रधान। उन्होंने सारे ने मिल के कार्यकारी प्रधान दादूवाल साहब ने चुन लिया। उस तो बाद 1 महीने बाद इलेक्शन होया, इलेक्शन के बिच जिहड़ा मेरा इस्तीफा सी इन्हां हाउस के रखिया, कानूनी तौर पर मेरा इस्तीफा अज तक नहीं मंजूर होया। सुप्रीम कोर्ट विच हर थां ते प्रधान मैनू ही लिखिया जाता क्योंकि 41 मैंबरी कमेटी ने 2014 दे विच प्रोसैस के प्रोटोकॉल के हिसाब नाल 41 मैंबर ने मैनू प्रधान चुनिया। DC साहब ने मैं कुरक्षेत्र चौथ दवाई सी, सारे साढ़े मैंबर और दवाई गई सी, कानूनी तौर पर प्रधान मैं उदों बनाया कानूनी तौर पर। जिहड़ा ये इलेक्शन होया ये सिर्फ साडा अटरनल इलेक्शन सी, जिस तरह पार्टियां अपना अटरनल कांग्रेस पार्टी करवाई है BJP पार्टी करवाई है, ये साडा काम चलाने वास्ते भी चिंदा साहब बीमार हो गए ने। मैं इस्तीफा देता, हाउस ने मंजूर कर लिया, हाउस की जिम्मेवारी बनती सी कि वो DC साहब को इस्तीफा भेज दे कि वो DC साहब मैनू उस चुकाई सी, DC साहब गवर्नर साहब ने कमेटी बनाई सी उन्हें भेज दे, तो फिर तो मेरा जो इस्तीफा से वैलिड होता। यह जो कानून है वकील कहते हैं तुहाडे कोल ताकत किस तरह आ गई, आखिया सर ये टर्नल इलेक्शन सी, सिर्फ जिन्ना चिर झिंडा साहब ठीक नहीं होंगे उन्ना चिर कम चलाने वास्ते एक चुनिया जाए। हुण ये दादूवाल साहब कह रहे हैं जी उदों फोर्स लगी SDM साहब आए, वो सिर्फ क्यों जे सरबसमती नाल दादू साहब नूं चुन लेंदे प्रधान फिर तो कोई रौला नहीं सी पैना, उत्थे डिस्प्यूट पैदा हो गया। असां अपना एक पास्यों सरदार जसबीर सिंह जी सड़का कैंडीडेट बन गए तो एक पास दादूवाल बन गए, डिस्प्यूट पैदा हो गया, सरकार ने वेख्या कि इन्हां दा झगड़ा ना हो, इस करके फोर्स लगाई गई। पर दादूवाल साहब बन तो अज तक वो प्रधान नहीं बन सके क्योंकि फर्ज बनता सी चीका जाके जां कुरक्षेत्र जाके DC साहब उन्होंने वोट चुका चुकी है उस उन्होंने,
इस करके अज तक कार्यकारिणी प्रधान ने, मैं तुम्हें क्लीयर कर दिया, तो जो अपने आप में कही जाते हैं प्रधान, मैं प्रधान, मैं प्रधान, तो फिर इस तरह गल है। साड़ी परसों सीएम साहब के हाउस भी सीएम भी ने कहा कि संजय पाटिया की अध्यक्षता से गल हुई सी। मैं क्या, मैं एक तो यह गल पाटिया साहब तो कह कि दादूवाल कार्यकारिणी प्रधान बने तो असी 33 मैंबर फिर इकट्ठे हो गए। मैं तो धन्यवाद करना दादूवाल साहब का, जे कि दादूवाल साहब ना प्रधान बने होंगे तो कभी भी अहम 33 मैंबर इकट्ठिया नहीं सी, क्योंकि उन्होंने डिक्टेटर से जेडे। मैं 6 साल लगातार प्रधान रहा, नोमीनेटिव प्रधान रहा, 41 मैंबर ने कभी इतराज नहीं किया। मैं अपनी मर्जी नाल इस्तीफा दिता, तो उन्होंने धक्के मैंबर जोड़े ने उन्होंने हूँ नाल एक स्वर्ण सिंह रतिया एक सरतार सिंह 36 मैंबर 3 मैंबर वो 33 मैंबर साढ़े नाल। दादूवाल साहब जी भाषा बोल रहे हैं, मैं बेनती करना दादूवाल साहब नाल, साढ़े मानयोग मैंबर ने कार्यकारिणी के प्रधान ने कृपा करना, असी 9वीं पातशाही निम साहब गुरुद्वारे बह के 33 मैंबर ने फैसला लिया भी असी अपना नेता जेड़ा धार्मिक नेता अपना जगजीत सिंह झींडा नूं चुणना। गुरु महाराज के छत्ते दीआं बंदिआं ने जाके अरदास की, तो की कह रहे हैं कभी चौंकां च खलो के गलिया च खलो के प्रधान नहीं चुने जाते। जेडे प्रधान नूं इन्ना ही नहीं पता भी गुरुद्वारे नूं चौंक कहना या गली कहना है। ये मैं उन्होंने बेनती करना वा, इन्ने ना थले आप टुर जाइए भी अपने लालच वास्ते खुदगर्जी वास्ते गुरु घर चौंक से गलिया।